गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ बिहाइंड दोरी चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं वन विहार नेशनल पार्क, जो कि है भोपाल में। तो अभी जाके देखते हैं कैसा होने वाला है वहाँ पर माहौल। और अभी आप देख सकते हैं साइड में कि सिटी ऑफ लेक, जो भोपाल का बड़ा तालाब इसको बोलते हैं। तो और काफ़ी स्पोर्ट्स भी देखा पीछे हम लोगों ने, काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं, बोटिंग एंड ऑल। तो उसको इंजॉय करेंगे बाद में, क्योंकि अभी हो सकता है कि वन विहार नेशनल पार्क बनना हो जाए। तो अभी जा रहे हैं वहाँ, आपको लेके चलते हैं, बताते हैं फिर आपको सारी जानकारी और करेंगे वहाँ पर एंजॉय। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, और अभी जो चार्जेस हमने पे करे हैं अपनी कार के लिए, नो मैटर कि आप कितने मेंबर थे, 250 रुपये पर कार है। यदि कार नहीं है तो यहाँ पर इनकी साइकिल्स और इनके यहाँ के खुद के व्हीकल्स भी अवेलेबल है। तो जो सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पर ये लगी है कि एक तरफ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एनिमल्स के लिए है, दूसरी तरफ तालाब है। और सबसे अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ है, जैसे जू में देखते हैं हम लोग कि जानवरों को काफ़ी छोटे स्पेस में रखा जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर गोर है तो काफ़ी बड़ा एरिया है उनके लिए। तो अभी ये पहला हमने स्टार्ट करा है, तो गोर से स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे जाके देखेंगे। तो अभी बोला है कि हाफ एन आवर में वापस हमको रिटर्न आना है, क्योंकि होने वाला है बंद, हो गए थे हम काफ़ी लेट। तो अभी आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स है, कितने एनिमल्स है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको वन विहार के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी पहला हमने देख लिया यहाँ पर गोर, अभी जा रहे हैं आगे, अब देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स और मिलने वाले हैं। तो बनाया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, जो आसपास के लोग हैं वो टहलने भी आए हुए हैं। देख सकते हैं आप सामने लोग साइकिल से भी हैं, बाइक्स। कार्डबोर्ड का शेयर तो देख लिया है, हालांकि असली का शेयर नहीं देख पाए। ये काफी बड़ा एरिया है, तो अब बढ़ना पड़ेगा आगे बिना शेयर देखे। एनिमल तो आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे, पर कभी कभी रहता है कि इनका जो बाड़ा रहता है बहुत बड़ा है, तो हो सकता है बहुत अंदर रहे। तो कभी कभी हो सकता है, जैसे अभी हमको शेर नहीं दिखा था। आप जैसे यहाँ एंटर करेंगे तो आपको एक साइड लेक दिखेगा और दूसरी साइड आप सारे जो एनिमल है उनको देख सकते हो। चलो, जो व्यू है यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। शाम के टाइम आपको सनसेट का जो व्यू दिखेगा उसकी बात ही अलग है। चलिए पूछते सनी से। क्या बोलना चाहेंगे सनी? नज़ारा देख लीजिए, नज़ारा खुद ब खुद बोल रहा है कि क्या नज़ारा है। और काफ़ी भालू देखे हैं अभी यहाँ पर। तालाब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। आप देख सकते हैं पेंथर, पर पेंथर तो दिख ही नहीं रहा।
अभी जैसे 6:30 बजने वाली थी तो अभी अनाउंसमेंट चालू हो गई है कि 6:30 बजे तक आपको गेट के बाहर होना रहता है। तो चलिए अंदर देखते हैं, अंदर स्नैक पार्क भी है तो वो देख के अपन बाहर आएंगे। अच्छा लगा, बट अभी थोड़ा सा हो गया है लेट और गाड़ियों की अनाउंसमेंट भी चालू हो गई है, 6:30 तक नहीं गए बाहर तो देना पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा चार्जेस। तो अभी जल्दी जल्दी करेंगे कवर गाड़ी से ही और फिर जाएंगे बाहर। गाइस अभी हो गए थे लेट, बट अभी बात कर लिए पुलिस वाले भैया से तो अभी जा रहे हैं स्नैक पार्क, जल्दी से दिखाएंगे आपको सारे स्नैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन एरिया में अपने डियर हो गया, पिकॉक हो गया, सांभर हो गया, ऐसे जानवर जो इंसान को हानि नहीं पहुँचाते वो ओपन में ही हैं यहाँ पे, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पर 2-1 घंटे इजीली स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर है तो आपके लिए यहाँ पर जाना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर बोटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड, वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।